अयो तुम लोग हमको चढ़ के इडली वड़ा खाता, अब तुमको साउथ का टेस्ट करना तो इधर जरूर आता। यहाँ पे डोसा त्रिकोण शेप में आ चुका है, डोसे के साथ में ये सांभर है, एक सांभर और दे दो ना। रील में जैसा कि यहाँ पे बताया गया था, जो सर यहाँ से पार्सल ले रहे थे, वैसा ही टेस्ट में काफी अमेजिंग है। मजा में मजा आ गया। एमए भोजन सर की 5 करोड़ की पेंटिंग वहाँ पे लगी, और चाय की मतलब चाय की दुकान में 5 करोड़ की पेंटिंग्स है। कमजोरी होगी, कौन सी कमजोरी वो आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बहुत ही मजा बहुत ही धमाल होगा। ये मेरा नया कैप आपको कैसा लग रहा है, हालांकि आपने पहले वीडियो में देखा हो तो बात अलग है, बट ये मेरा फेवरेट कैप है। और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नए ब्लॉग। फाइनली गाइज अभी मैं आ चुका हूँ नरोड़ा शहर बोल सकते हैं इसको, तो नरोड़ा के अंदर हमारा जो मित्र है देव भाई नरोड़ा, उसका जो छोटा वाला जो मित्र है एंटरटेन, ये देखो मास्क पहन के घूम रहा है, इसको हम छोटा छतरी बोलते हैं वैसे प्यार से। साहिल कैसा? साहिल बढ़िया है ना, मास्क लगा कैसा लग रहा है? और देव जो है वो देव के साथ हम आज कुछ शूट करने वाले, जो हम जा रहे हैं रविवार बाजार वगैरह जो अहमदाबाद की अच्छी अच्छी लोकेशन पे, तो देव कैसा? रेडी? रेडी डायरेक्टर स्टार्ट। ये हमारे कैमरा पर्सन जो आप बार सुनते हो ना, कैमरा पर्सन प्रदीप सोनी के साथ जे के मतलब लाइव, वो प्रदीप सोनी कोई और नहीं है, वो तो वैसे कोई और ही है, लेकिन हमारे देव नरोड़ा है ना। तो चाहे फाइल हम शूट के लिए निकल रहे। यस यस वी गो टू शूट। और हमारा जो है देखिए, ये पूरा हमारी धन्नो है, ये धन्नो भी रेडी है, ब्लैक वाली कैप भी रेडी है, ये मेरी फेवरेट कैप में से नया कैमरा जो कि मैंने कैनन 50 M50 Mark II जो लिया है वो, और मेरा टिकटॉक वाला ये बैग जिसके अंदर सारी एसेसरीज टिकटॉक्स रेडी है। चलिए लोग में बने रहिए, आगे बहुत मज़ा आने वाला। फाइनली गाइस जब हम निकल रहे हैं, मास्क है तो ही टास्क है, आप लोग घर से बाहर निकले तो मास्क पहने जरूर पहने, जैसे कि मैंने पहना। फिर ये वाली कैप ये भी आपके सेफ्टी टिप्स में काम आएगी, अगर रास्ते में कहीं बारिश हो तो बारिश से आपको बचाएगी। और देव है, देव ने क्या क्या पहना ये बता, देव क्या पहना है तूने? मास्क और कपड़े पहने, ये कहीं पे भी निकलता है ना बिना कपड़े के निकलता नहीं है। और आप भी अगर ऐसा करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आगे हम पहले खाएंगे वड़ा पाव, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो फाइनली गाइस अभी हम जा रहे थे शूट के लिए, उससे पहले हमारी थोड़ा जो सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया था, अभी हम लोग खाने का सोच रहे थे, तो आज हम सोच रहे हैं कि यहाँ का कुछ हमारे जो देव भाई है उनने बताया कि साउथ का बहुत अच्छा मिलता है अन्ना, वो बोलते ना इडली वड़ा इडली सांभर, आइए तुम लोग इडली वड़ा खाता हमको चढ़ के, तो हम लोग आज इडली वड़ा खाएगा और यहाँ का टेस्ट बताएगा कैसा है। चलिए हम लेते हैं, क्या डिश लेने वाले हैं वो लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, फिर बताएंगे रियल में यहाँ का टेस्ट कैसा है। क्या है डिश में मेन्यू में सर? यहाँ पर डोसा लग चुका है और डोसा बना रहे हैं सर, और क्या क्या है मेन्यू का है? अभी तो खाली मसाला डोसा, मसाला डोसा और उत्तपम। तो मसाला डोसा खाए पहले, एक मसाला डोसा बना दीजिए और थोड़ा स्पाइसी बनाना क्रिस्पी। तो फाइनली गाइस अभी हमने यहाँ पे मसाला डोसा का ऑर्डर कर दिया है, देखते हैं यहाँ का मसाला डोसा कैसा है, हम पहले टेस्ट करेंगे फिर आपको उसका रिव्यू देंगे कि रियल में यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार, यहाँ पे देखिए किस तरह से बनता है, बताएंगे रिव्यू वगैरह। अच्छा उत्तपम भी ऐड कर देते, एक उत्तपम भी बनाओ। और कुछ लोग यहाँ से लेने के लिए आए। सर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए या पहले भी टेस्ट किया आपने यहाँ का? नहीं मैं ये सेकंड टाइम आया हूँ। सेकंड टाइम आया? अच्छा फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ से पार्सल लेके गए थे, टेस्ट किया था आपने? टेस्ट किया था पहले। टेस्ट कैसा है यहाँ का? टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, एकदम प्योर साउथ इंडियन टाइम था। प्योर साउथ इंडियन टाइम। तो भाई ये आपने देखा, ये यहाँ के क्लाइंट है जो सर यहाँ पे ऑलरेडी, इनका जो यहाँ पे पार्सल हो रहा है उत्तपम सर ने एक ऑर्डर दिया है, जो डोसा था वो भी इन्हीं का पार्सल है, तो उत्तपम यहाँ पे बन रहा है गाइस, कैसा बनेगा और सर ने बताया, जैसे ये सेकंड टाइम आया है और ये बनाने वाले भैया बड़े मेहनत से और बड़े दिल से बनाते हुए, और बाद में जानेंगे इसमें ऐसा क्या मसाला डालते हैं कि यहाँ के फैन फॉलोअर्स जो है, तो आप देखते रहिए किस तरह से यहाँ बन रहा है डोसा। मीडियम रखो ना कि तेज करो थोड़ा सा। दो प्लेट इडली, दो मसाला डोसा और एक उत्तपम। ये डोसा दो इडली हमारी, दो इडली चार, दो इडली छः, दस वो देने, दस वो देने, वो देने का अब खाली दूंगा। हाँ अभी एक डोसा और उत्तपम दो आइटम है मतलब, है ना, और एक मसाला इडली। अच्छा मसाला इडली। तो गाइस यहाँ पे डोसा जो है लग चुका है, डोसे की पूरी तोरी फाइनली समथिंग तैयार भी हो चुका है। ये
डोसा दे दो भाई को। यहाँ पे डोसा त्रिकोण शेप में आ चुका है, डोसे के साथ में ये सांभर है। एक सांभर और दे दो ना सांभर, या मैं एक एक्स्ट्रा कहीं पे, मैं मुंबई में भी डोसा खाता हूँ अंधेरी में, तो वहाँ मैं सांभर एक्स्ट्रा लेता हूँ। मुझे सांभर काफ़ी अच्छा लगता है, डोसे से ज़्यादा मुझे सांभर में मज़ा आता है। तो फाइनली गाइस यहाँ से डोसा मैं लेकर के रियल में, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था, जो सर यहाँ से पार्सल ले रहे थे वैसा ही टेस्ट में काफ़ी अमेजिंग है। और मेरी एक आदत है दोस्तों, आप हर वीडियो में देखते होंगे कि भी कहीं पे अगर मुझे बुरा लगता है तो मैं क्लियर कट में वीडियो में ही बता देता हूँ और वो पार्टी को बोल देता हूँ यहाँ पे टेस्ट अच्छा नहीं था। जैसे अभी उदयपुर में मैं 3 दिन पहले था, वहाँ आपने देखा वो खाने वाला वीडियो, वो खाना पनीर की सब्ज़ी सही नहीं बनाई थी, मैंने बोला अच्छी नहीं है, तो वो वापस उन्होंने क्रिस्पी बना के दिए। और यहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा, देव भाई ने टेस्ट किया, देव भाई कैसा लगा? अमेजिंग है कि मैं पहले भी इधर आ चुका हूँ। अच्छा आप पहले भी आ चुके हो? Yes. तो आपको पता ही होगा टेस्ट कैसा है यहाँ का, इसलिए तो मैं आपको इधर लाया। तो देव पहले भी आ चुका है इसलिए मेरे को देव यहाँ पे लेके आया। वैसे हम लोग यहाँ पे आगे कुछ और था नाश्ते में, डाबली वड़ा पाव वगैरह है ना, एक टिकड़ी भी थी, पता नहीं नाम टिकड़ी था पता नहीं क्या था, बट ये मुझे अच्छा लगा। और आज हम अहमदाबाद के काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन पे जाने वाले, सैटेलाइट है यहाँ का फेमस लाल दरवाजा, रविवार बाजार बोलते जो, और रिवर फ्रंट्स अहमदाबाद का हार्ट, धड़कन अहमदाबाद की, वहाँ पर भी काफ़ी चार शूट करने वाले हैं। तो गाइस लेता हूँ ब्रेक, पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि ठंडा होगा तो खाने का मज़ा नहीं आएगा, बने रहे हमारे साथ कंटिन्यू। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे डोसा खा लिया है और डोसे के बाद मैंने लिया थोड़ा सा मिनरल वाटर। और गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे एक और सर है जो पार्सल लेके जा रहे हैं, उनसे बताते हैं। सर आपने पार्सल लिया, आप फर्स्ट टाइम लिया, इससे पहले भी कभी लेके गए? नहीं भी लिया। कैसा है यहाँ का टेस्ट वगैरह? बहुत अच्छा है। क्या खास लगा आपको यहाँ पे कि आप पार्सल लेके जाते हो? डोसा और ये मसाला डोसा और ये मसाला उत्तपम। मसाला उत्तपम। तो गाइस आपने देखा ये सर यहाँ से पार्सल लेके जा रहे हैं, उनको हमने लाइव पकड़ा ताकि वो बता सके आपको कि सही में यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो यहाँ के जो ओनर सर हैं उनसे जानते हैं कि भैया आपका नाम क्या है? अरे सेनोय। अच्छा कितने टाइम से आपकी ये मसाला डोसा की जो है? 5 साल से। 5 साल से रेगुलर ये जगह पे। तो आपके डोसे का टेस्ट हमें भी काफ़ी अच्छा लगा और ये जो लोग पार्सल लेके जा रहे हैं भी काफ़ी अच्छा रिव्यूज दे रहे हैं। तो ऐसा क्या मसाले में खास डालते हैं कि इतना? जो रेगुलर होता है वही, और ज़्यादातर मैं मसाले घर पे ही बनाता हूँ। अच्छा मसाले घर पे ही? हाँ सांभर मसाला घर पे ही बनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे कुछ दर्शक ये वीडियो देख के अगर आना चाहे तो ये परफेक्ट लोकेशन क्या पड़ेगा? ये स्वामीनारायण पार्क 81 नंबर 100 पनासिया बिल्डिंग, सदी माता मंदिर रोड GEB। बिल्कुल सदी माता मंदिर रोड GEB। हाँ तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में इनका परफेक्ट एड्रेस भी लिख के दे दूंगा आपको। तो आप लोग कभी भी निकोल वाले विस्तार में आए, निकोल नरोड़ा विस्तार में आए, तो यहाँ के एक बार विजिट ज़रूर करें। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं मेरी तरह तो यहाँ के विजिट ज़रूर करें और बने रहे हमारे साथ कंटिन्यू। अभी हम आगे जाने वाले हैं अहमदाबाद के लकी टी स्टॉल पे, जहाँ पे MF हुसैन सर की 5 करोड़ की पेंटिंग वहाँ पे लगी, और चाय की मतलब चाय की दुकान में 5 करोड़ की पेंटिंग्स है वो, हालांकि उन्होंने खरीदी नहीं, उनको वहाँ पे गिफ्ट दी थी MF हुसैन सर ने। तो कैसी है वो पेंटिंग, बने रही हमारे साथ लगातार, हम मिलते हैं सीधे लकी टी स्टॉल अहमदाबाद में। तो भाई ये जो सर है ये अपनी तरफ से कुछ मीठा मुँह करवा रहे हैं माजा की तरफ से, तो ये माजा, थैंक यू सर। तो ये माजा दोस्तों, माजा के साथ मज़ा आना चाहिए। देव भाई पीछे इसका टेस्ट कीजिए कैसा है बताइए। माजा का रिव्यू करने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। माजा में मज़ा आ गया। साउथ इंडियन। कर्नाटका साउथ इंडियन। शुभ प्रसंग के ऑर्डर लेवा मैं आपसे। अच्छा की वेराइटीज क्या है खास वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। मसाला डोसा, सादा डोसा, इडली, कांदा वड़ा, बटाका वड़ा, मेंदू वड़ा, मसाला डोसा, बटर डोसा, चीज डोसा, मैसूरी डोसा, पेपर डोसा, कोना डोसा, उत्तपम, ऑनियन उत्तपम, सारा उत्तपम, ठंडा पीना मलसे। तो अयो तुम लोग हमको चढ़ के इडली वड़ा खाता, अब तुमको साउथ का टेस्ट करना तो इधर ज़रूर आता। तो फाइनली यहाँ से हमने नाश्ता कर लिया और हमारा जो टिकटॉक वाला बैग है जो हम कहीं भी जाते हैं हमारे साथ ही रहता है, और ये देव कैमरा पर्सन देव नरोड़ा के साथ JK मदरिया अहमदाबाद निकोल लाइव। बैठ गए देव? चलो भैया फिर आएंगे कभी मौका मिला तो, इस रूट पे आएंगे नाश्ता जरूर करेंगे, ठीक है ना? और वीडियो जब आएगा ना उसको शेयर भी कर देना सारे फ्रेंड्स में, ठीक है ना? हाँ फिर आप देखना। अमडूपुरा अमनगर रेलवे क्रॉसिंग अहमदाबाद, ले बाबू। ओके महालक्ष्मी रेडी, मेरा भी दिखाते देखे मटेरी आज। ओ भाई सब देख रहे हैं क्या है भाई, आपका मास्क कहाँ है? तो मेरे भारी से चलेगा, अरे चलेगा यार, चलेगा चले, एंजॉय करो लाइफ, कैसे मजे में, निकाल दो मास्क, निकाल दो अभी, अरे यार कैसे यार, नहीं यार।
इसको लागे ना चेहरे पे। दोस्तों मजे से रहिए, मास्क वास्क सिर्फ धंधा है ना, धंधा है पर गंदा है। ये बारिश में मोदी जी की जो शासन का चल रहा है, क्या मोदी जी से आप कितना संतुष्ट हो? सही है ना। तो दोस्तों ये मोदी जी सही है, चलिए बने रहिए हमारे साथ लगातार, अभी हम आपको आगे बता देते हैं। मैनू छड के हर पल तोटी आज मैनू तड़पाएगी, मैं जागंगा नींद तेनू बिना आवेगी। पंजाबी विद हिंदी हमने नया हमने बनाया है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा नया वर्जन? फोटो स्टूडियोज है, आज हम आपको हमारा फोटो स्टूडियो भी दिखा देते हैं। ये है सुमेल अहमदाबाद का, सुमेल सेंटर्स पे फाइनल लिफ्ट का बटन दबा दिया है। जैसे लिफ्ट आती है लिफ्ट में एंटर हो गए हम लोग ऊपर की ओर प्रस्थान करते हैं। एक आपको एक और सोशल मैसेज, पैसेंजर लिफ्ट दो कैंटीन, हमारा दोस्त। तो बस मुझे लगे यहाँ पे जोरदार, तो मैं पहले कर लेता हूँ। निराशा हाथ लगी हमारे, हम लोग ऑलरेडी स्टूडियो पे जो हमने लिफ्ट का बटन दबाया था, लिफ्ट की स्पीड धीमी होने की वजह से लिफ्ट आई नहीं, तो हम लोग पैदल ही चढ़ के 3 मंजिल, पहली बार नहीं चढ़ जाता हूँ तो कभी मैं ऊपर सीढ़ियाँ, तो 3 मंजिल हम चढ़े, फिर भी हमारा जो ऑफिस जो है सामने आप देख पा रहे होंगे लास्ट कॉर्नर पर हमारा ऑफिस, और आज है संडे है तो हमारा जो फोटो ऑफिस है तो संडे है तो क्लोज है। हमने फ़ोन भी नहीं किया था, हम डायरेक्ट आ गए। हमारे जो मित्र हैं जो बैठते हैं फोटोशॉप स्टूडियो पे, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कर देना। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बट आप बाल बाल काफ़ी अभी बैठ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं ये मेरा नया हेयर स्टाइल ही समझिए, क्योंकि मैंने जो मेरी ब्लैक वाइट किया था देव नरोडा हमारे साथ में। तो देव, यस ब्रो, क्या कहना चाहेगा? मतलब स्टूडियो तो अभी क्लोज है, फोन लगा था क्या? मगध में से निकलेगा क्या? संडे मेरे को मालूम होता कि संडे तो हमें आता ही नहीं, तो हम इधर थोड़ा काम के लेंस के हिसाब से आए थे और थोड़ा बैठने के हिसाब से। तो फोन लगा तो अभी क्या बोले? अभी छुट्टी है तो संडे की वजह से छुट्टी रखी है, तो ऑफिस संडे को बंद ही होता है, ओनली मंडे से सैटरडे चालू रहता है। बिल्कुल। तो गाइस अभी हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन से हम जा रहे हैं लकी टी स्टॉल, वहाँ की चाय पियेंगे और फेमस चाय वहाँ की, तो बने रह सकते हैं। गाइस हमारे को एक बार फिर से जोर से लगी है पीपी, तो हम लोग आए यहाँ पे शुरू करने के लिए। और यहाँ का जो संडास है, जो संडास बोले तो यहाँ जो टॉयलेट है काफ़ी अच्छा है, वो देव भाई का कहना है जो हमारे मित्र है देव भाई नरोड़ा, और वो यहाँ पे शुशु कर रहे हैं, उसके बाद मैं करूँगा। ये आ गया है, कैसा लगा देव तेरे शुशु करके? मजा। तो गाइस ये यहाँ का आईना है और आईने में मैं हूँ, मेरे साथ में देव नरोड़ा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद में और आगे की ओर, पीछे आपको टॉयलेट नजर आ रहा है। रविवार बजाज आज के ब्लॉग में बहुत। तो फाइनल गाइस अभी हम यहाँ सुमेल जो है, कौन सा सुमेल, 6 है या 7 है पता नहीं, तो सुमेल जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। काफ़ी मज़ा है यहाँ पे, एक हमारे न्यूज़ वाले भैया मिल गए जिनका यहाँ पे मैंने आपको बताया कि न्यूज़ चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी न्यूज़ बनाते हैं।
स्टेशन अभी लाल दरवाजा यहाँ का ट्रैफिक यार बहुत ही सुपर है, अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल। मौसम इज वेरी अमेजिंग। अभी भी इस रूट पे आता हूँ, 99.9% यहाँ पे तो स्टॉपेज लेना ही पड़ता है क्योंकि ये मेन लोकेशन अहमदाबाद का और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है और यहाँ पे जो है सेवा में लगे हुए हैं। ट्रैफिक की हालत बहुत गंभीर है। सामने की ओर से पसंद करना है। ये इलेक्ट्रिक बस है ना शायद, है ना? यस। एक ऐसी बस और है, बहुत प्यारी बस है, सैटेलाइट में अमेजिंग। यहाँ पे ट्रैफिक खुल चुका है, सभी लोग अपने अपने रफ्तार से आगे बढ़ते हुए और अभी हम लोग इस गेट के अंदर प्रवेश करेंगे। तो फाइनली हम इस प्रवेश द्वार पे एंट्री कर रहे हैं। कैसी एंट्री आप लोग कमेंट करके बताना गाइस। वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ये यहाँ का होलसेल बाजार, सीजनेबल बाजार बोलते गाइस। यहाँ पे आपको राखी की सीजन, देखिए यहाँ पे राखियाँ हैं बहुत सारी। ये राखी है, होली पे पिचकारी मिलती है, दिवाली पे पटाखे मिलते हैं। तो जैसा सीजन आता है उस टाइप का यहाँ पे माल मिलता है आपको। इसको अहमदाबाद का सबसे ब्यूटीफुल सीजनेबल मार्केट भी कहा जाता है। अगर आपको होलसेल में कुछ खरीदारी करनी हो, राखी वगैरह कुछ भी, तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो गाइस। राखी वगैरह है, होलसेल बाजार है यहाँ का, तो आप लोग होलसेल में और रिटेल में भी मिलता है कुछ कुछ जगह पे। तो एक बार इस मार्केट में ज़रूर आए। मार्केट का नाम क्या है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा गाइस। ये देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएँ शॉपिंग करते हुए, राखी की खरीदारी, काफ़ी भीड़ है भारी मात्रा में राखी की खरीदारी करते हुए। ये राखी बाजार, राखी से सजा होती है, राखी का त्यौहार आ रहा है रक्षाबंधन, तो सीजनेबल मार्केट है यहाँ पे। और गलियाँ यहाँ पे काफ़ी पतली है, तो ट्रैफिक की समस्या आम बात है यहाँ पे। ये चाय यहाँ पे मैंने पी थी एक बार, चाय का रेट भी यहाँ पे 5 रुपये होंगे तो जी दोस्तों, बिल्कुल बाकी सब 10 रुपये, यहाँ 5 रुपये में चाय अच्छी मिल जाएगी आपको। और ये मार्केट हम आगे की ओर प्रस्थान करते हुए, बहुत ही आज संडे है तो कुछ परसेंटेज मार्केट बंद भी है और कुछ कुछ खुला है यहाँ का मार्केट। और अभी यहाँ से रिलीफ रोड आएगा गाइस, रिलीफ रोड के बाद में हम जाने वाले लक्की टी स्टॉल में, जो अहमदाबाद की नंबर वन फेमस लक्की टी स्टॉल है। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम बिना आवेगी। और गाइस मैं अपने सैमसंग नोट नाइट के कवर की वीडियो से लेता हूँ, आपकी दुकान आएगी मेरे फ्रेंड की शॉप पे। ये यहाँ पे एक दुकान दिखाई देगी मोबाइल की, लगभग आगे है थोड़ी सी, तो अच्छे अच्छे कवर मिलते हैं वहाँ पे। जस्ट अभी आएगी गाइस, ये रही, हाँ ये फेवरेट मोबाइल हमारे फ्रेंड्स की शॉप है, तो कभी भी यहाँ पर आप आ सकते हो। मोबाइल कवर वगैरह एक के मोबाइल केयर। तो एक के भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपका भी इसमें, आप मुझे ब्रॉडकास्ट में जो वैसे भेजते हो नए नए कवर्स के, एप्पल के वगैरह, सैमसंग के वगैरह, जो भी कवर्स आप अच्छे बनाते हो। तो फाइनली अभी टंकसाल आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे सामने टंकसाल रोड। ये अहमदाबाद की ब्यूटी है, अहमदाबाद शहर का बहुत ही शानदार दृश्य है। यहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी छोटी गलियाँ वगैरह, ट्रैफिक वगैरह बहुत ही अच्छा है। यहाँ सामने आपको नज़र आ रहा होगा टंकसाल और ये रिलीफ रोड के बिल्कुल टच हो चुके हैं हम लोग। रिलीफ रोड बोल के अगर की बात करें, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का बहुत ही बड़ा मार्केट है। आपको इलेक्ट्रिक डिवाइस में कुछ भी, एलईडी हो, रेडियो हो, टीवी हो, टैप हो, ये देखिए सारी दुकान है। यहाँ पे आउजा है, मोटवानी है जो आज क्लोज है क्योंकि आज संडे है, तो बहुत ही अच्छा चाहिए। रिलीफ रोड का आज पूरा ही बंद है, लगभग 90% बंद है, कुछ भी खुला है खाने पीने का यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा आगे चल के चाय के लिए रुकने वाले हैं और हल्की हल्की यहाँ पे बारिश भी चल रही है, बारिश का भी आनंद ले रहे हैं हम लोग। वेरी ब्यूटीफुल बारिश के अंदर व्लॉग। तो गाइज अभी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, इतने अच्छे अच्छे वीडियो हम और भी आगे भी बनाते रहेंगे। एक गाय माता है, हम इनका सम्मान करते हैं, प्लीज़ माता जी आप आगे आइए तो हम भी आगे बढ़े। तो माता जी ने इधर देखा है, हम हाथ जोड़ते हैं आपके, प्लीज़ थोड़ा सा आगे बढ़िए। देखिए मैंने हाथ जोड़े हैं तो माता जी आगे प्रस्थान कर चुके हैं और पीछे ट्रैफिक हो चुका है। और
जेके मदरिया यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करते हो अपनी रामप्यारी अपने धन्नो को एक्टिवा मेरी फेवरेट। आपने मेरे इस धन्नो के साथ में बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे और रिलीफ रोड का बहुत ही शानदार नज़ारा। आज थोड़ा ट्रैफिक भी मध्यम है क्योंकि शॉप काफ़ी क्लोज है यहाँ पे और सामने एक नाश्ते की दुकान है वहाँ पे हर बार भीड़ काफ़ी मात्रा में होती है वो मैं आपको आगे बताऊँ। देखिए अभी भी भीड़ है वहाँ पे नाश्ते के लिए, नाश्ता काफ़ी अच्छा बनाते होंगे ये तो भीड़ आपको दिखाई दे रही। देखिए ये वाला क्या नाम है, रियल पेपरिका के बाजू में रियल पेपरिका, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी भीड़ कम है आज संडे के। हाँ ये पास वाली पिंकी पिज्ज़ा पार्लर अभी आगे मंगल मूर्ति को ये देखिए स्वामीनारायण भगवान का ये जो बना हुआ है सिंबल ये यहाँ का गेट। और इधर जाएंगे तो रतन पोल है, इधर बताइए कैमरा मैन रतन पोल ये देखिए दिखा ये भी ब्यूटी अहमदाबाद की रतन पोल। अगर शादी की आपकी शॉपिंग करनी हो शादी पार्टी की तो लहंगाज वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इसके जस्ट सामने मंगलपुरी की कॉम्प्लेक्स इधर दिखाइए कैमरा मैन, ये अहमदाबाद का सबसे बड़ा मोबाइल का कॉम्प्लेक्स है गाइस। आपको मोबाइल की एक्सेसरी सारी यहाँ पर मिल जाएगी होलसेल रेट में और रिटेल में भी मिलता है गाइस यहाँ पर। और ये कृष्ण सिनेमा यहाँ पे एक सिनेमा हॉल था पुराना जहाँ पे मैं विक्रम ठाकुर की गुजराती फिल्में देखने आया करता था। कहाँ गया वो लोगों को सिनेमा बंद हो रही है रहा ये दिखाइए ज़रा यहाँ पे अभी राधे लगी हुई है सल्लू भाई की। सल्लू भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपका पोस्टर लगा हुआ यहाँ पे। और ये मंदिर और ये रेली रोड का बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये देखिए गाड़ी कहाँ से घुसाई है, ये है भारतीय संस्कृति। ये चीज़ आपको बहुत आम बात है यहाँ पे देखने को मिलेगी भारत के अंदर। और सीन आर वेरी अमेजिंग वेरी ब्यूटीफुल गाइस। और इस गली में एलआईसी का ऑफिस भी है जो लास्ट टाइम में आया था एलआईसी के काम से। और ये एलआईसी का पोस्टर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इस गली से भी जा सकते हैं और आगे वाली गली से भी जा सकते हैं। और हल्की हल्की बारिश हो रही है अहमदाबाद शहर के अंदर और हमारा चाय का स्टॉप आने वाला है यहाँ पे, हम देने वाले चाय का ब्रेक वो भी बहुत ही फेमस है चाय की दुकान अहमदाबाद नंबर वन लक्की की स्टॉल अहमदाबाद। छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पेट्रोल पंप ये देखिए आज की जनरेशन थोड़ा अपना कर्तव्य दिखाते हुए और मन मन मुस्कुरा रहा था ना मज़ा आ गया उसको। और गाइस यहाँ पे रेडियो का शोरूम था जो ये रहा फिलिप्स फिलिप्स जो ब्रांड है कंपनी उनका शोरूम है ये रेडियो पुराने जमाने में काफ़ी चला करता था। और ये एक छोटा सा सिग्नल प्यारा था हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये अहमदाबाद का शॉपिंग हब है यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। और पुराने ज़माने में जो डिजिटल कैमरा आते थे यहाँ पे कुछ डिजिटल कैमरे की दुकानें एक दो देखिए ये रही एक तो ये रही लैपटॉप वाली और एक और यहाँ पे देखिए है कैमरे की दुकान मेट्रो स्टूडियो गाइस ये भी पुराने डिजिटल कैमरा और अभी डिजिटल अभी शायद रखते होंगे। और ये बिजली घर दिखाइए सर ये बिजली घर अहमदाबाद का यहाँ से पूरे अहमदाबाद को बिजली प्रोवाइड की जाती है और पैसा इसके नाम से लग रहा है बाकी तो ये देखिए भद्र लाल दरवाजा आतम रोड। और भाई यहाँ पे हमारे कुछ पुलिस वाले भाई साहब तैयारी में पूरी मुस्तैदी के साथ में झंडा हाथ में लिए हुए और भाई यहाँ से हम ले रहे हैं राइट साइड जो कि हमारा चांदी ना देव तो अभी हमारा आने वाला लक्ष्मी जी स्टॉल जहाँ पे हम लेने वाले चाय का ब्रेक तो दोस्तों बने रही हमारे साथ। इधर आप जाएंगे तो आतम रोड आएगा ये पालिका बाजार अहमदाबाद का और बारिश बहुत ही बढ़िया है यहाँ की अभी हल्की हल्की बारिश है ज़्यादा भी नहीं है बट मज़े वाली बारिश है ना। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं ये देखिए ये सेंट्रल बैंक है और इसके जस्ट पास में गाइस ये लक्की टी स्टॉल और सामने पड़ता है कॉलेज और ये लक्की टी स्टॉल खुला है हाँ खुला है गाइस बहुत अगली बार मैं आया था तो चाय नहीं मिली थी लॉकडाउन की वजह से और अभी हमारे को चाय यहाँ पर मिल जाएगी। ये है लक्की टी स्टॉल अहमदाबाद यहाँ की फेमस चाय अहमदाबाद की नंबर वन लक्की टी स्टॉल को। और ये ओनर सर है यहाँ के बैठे कैसे हो तो ओनर सर इनसे जानते हैं सर यहाँ की चाय की खूबी और सुनी लक्की टी स्टॉल की और यहाँ पे हुसैन सर का पेंटिंग भी रखा हुआ है बिल्कुल तो ऐसा क्या बनाते हो आप चाय में जो लोग दौड़े चले आते हैं और चाय के साथ में मस्का बन भी यहाँ पे फेमस है काफ़ी। तो गाइज अभी हम लोग पहने वाले यहाँ पे चाय हैं तो ये एम एफ हुसैन सर की पेंटिंग आपको नज़र आ रही होगी गाइज गाइज ये है एम एफ हुसैन सर की जो पेंटिंग है वेरी ब्यूटीफुल मैं इनका काफ़ी फ़ैन हूँ। यहाँ पे चाय पीने आता हूँ तो मेरा एक मेन उद्देश्य ये भी रहता है इस पेंटिंग में लाइव देख सकूँ तो आप लोग भी कभी आए अहमदाबाद
तो ये जो हैप्पी भूषण सर की पेंटिंग है ये यहाँ पे जरूर देखें, और यहाँ की चाय का आनंद हम लेते हैं अभी आपको। ये देखो भाई यहाँ बैठ चुके हैं और पानी लग चुका है यहाँ पे, तो मैं भी बैठता हूँ यहाँ पे चाय। तो फाइनली गाइस यहाँ पे चाय आ चुकी है और पानी पहले मैं पी लेता हूँ यहाँ पे पानी। जी हाँ, यहाँ के गिलास की साइज भी काफ़ी बड़ी है, बट उसके देखो गिलास छोटा हो बड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट चाय आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाय अच्छी होनी चाहिए। और इस चाय का मैं खुद फैन हूँ, मैं पहले कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ लेकिन विदाउट कैमरा, आज पहली बार कैमरा साथ में है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए। अगर आप अहमदाबाद में आते हो, एक अच्छी चाय की तलाश में हो, तो इस लोकेशन पर जरूर आए, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का लिंक भी मिल जाएगा, कहाँ पर पड़ेगा ये, और लकी टी स्टॉल नामी का भी है। तो चलिए अभी हम लोग चाय पर चर्चा करते हैं, चलो चीयर्स। अभी बारिश का मौसम हम भीगे हुए आए हैं, तो बारिश में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो स्वर्ग मिल गया, मतलब जन्नत मिल गई ऐसा समझिए। और मैं कुछ चाय का कितना शौकीन हूँ वो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, पंडित जी चाय वाले या फिर अहमदाबाद के तपोवन सर्कल पे जो चाय वाले थे जिन्होंने 2.5 लाख का सोना पहना हुआ था, इंजीनियर चाय वाला और एक ही लकी टी स्टॉल, तो जहाँ पे चाय मिल जाती है वहाँ पे मैं घुस ही जाता हूँ बिना कहे। मैं चाय से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे चाय काफ़ी अच्छी लगती है। आपको चाय कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देव तुमने चाय पी यहाँ की कैसी लगी? मैंने पहले भी पी हुई है कई बार, पर ये चाय जो मिलती है ना ये पूरे स्वाद की अगर बात करें तो पहले में अभी मैं कैसा लग रहा है, पहले के स्वाद में और अभी के स्वाद में वही स्वाद है, वही अच्छी क्वालिटी है और बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी में देते हैं, अच्छी चाय है और ऐसी चाय आपको और ऐसी हेल्दी भी है, और ऐसी हेल्दी और अच्छी चाय आपको पूरे अहमदाबाद में कहीं नहीं मिलेगी। तो गाइस अभी हम लोग पहले पी लेते चाय, उसके बाद चाय पर चर्चा करेंगे। गाइस चाय के साथ में हमने मंगाया यहाँ पे अभी वड़ा पाव जो काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कटिंग्स में 2 पीसेस है और उसके साथ में ग्रीन चटनी है और रेड सॉस है टोमेटो सॉस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीन देख के आपके मुंह में पानी आ गया है, अभी आपके आसपास में जो भी मिले आप खा लीजिए, ताकि कभी अहमदाबाद आइए तो जेके मदिरा मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपने यहाँ का नाश्ता कराऊंगा, मेरे साथ आ सकते हो यहाँ पर, आप अकेले भी आए तो भी यहाँ का टेस्ट ले सकते हैं। तो हम लोग पहले चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद कंटिन्यू। उसका बन भी आ गया है, आप भी मस्का बन खा के किसी को मस्का लगा सकते हो। ये देव ने मस्का का चाव लेते हैं, कैसा मस्का बन? अमेजिंग, बेस्ट मस्का बन। तो गाइस मैं भी यहाँ पे खा रहा हूँ मस्का बन, जो भी काफ़ी स्मूथ है, इसका बटर वगैरह, इसके जो मिक्स फ्रूट जो अंदर डाला हुआ है वेरी ब्यूटीफुल। स्वाद की अगर बात करूँ शब्द ही कम पड़ जाएंगे, सब ही कम पड़ रहे हैं, ठीक अच्छे को अच्छा बोलने की मैं प्राइवेट हूँ। ये देव का मस्का बनाया, देखिए देव का हाल आया बीच में, देव भी खा रहा है उधर, मैं बता दूँ आपसे देव अहमदाबाद में लकी की चाय और मस्का बन नहीं गए ना तो कुछ नहीं खाए, कहा कीजिए मजा आ रहा है। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ की चाय पी ली है लकी टी स्टॉल की, ये रखी आप रखिए, तो यहाँ की चाय मैंने पी ली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आइए यहाँ का रिव्यूज लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रेगुलर रहते हैं उनसे जानते हैं। सर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, इससे पहले भी यहाँ की चाय पी आपने? बहुत पिया है, कैसा है यहाँ का टेस्ट? बढ़िया है। अच्छा आपने सर फर्स्ट टाइम चाय पी यहाँ की या पहले भी कभी पिया है? फर्स्ट बार, कोई नहीं आप पीजिए, भैया बोल रहे हैं वैसे आपको अच्छा लगेगा। सर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए या पहले भी चाय पी यहाँ की? बहुत अच्छा, कैसा है यहाँ का टेस्ट? बढ़िया। सर आपने कैसा है यहाँ का चाय? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग और ये सर यहाँ पे सर्व करने वाले जो चाय बनाते हैं, और ये सर बैठे, सर आप चाय पीने आए हो यहाँ पे? आप फर्स्ट टाइम पहले भी कभी चाय पी यहाँ की? पियो। कैसा है यहाँ का टेस्ट? कैसा है यहाँ का चाय का टेस्ट? बिल्कुल। और ये जो चाय बनाते हैं सर वगैरह सर्व करते हैं, सर कैसा है, ऐसा क्या डालते हैं चाय में कि लोग दौड़े चले आते हैं यहाँ पे? जो अपना चाय पहले से बन गया है वो चाय बनता है, फुल मीठा मीठा है। तो सर यहाँ की चाय में क्या खूबी है कि लोग दौड़े चले आते हैं? चाय बहुत अच्छा लग रही है इसके लिए लोग। और मस्का बन के बारे में बताएं ज़रा, मस्का बन बहुत फेमस है यहाँ का, नंबर वन है ना। तो गाइज आप लोग कभी भी ये वीडियो देख के यहाँ पे आना चाहें तो मैं तो यहाँ पे आता हूँ, मेरा तो एक ही कारण चाय के साथ। मुझे हर बार ये जो एम एफ हुसैन सर की जो पेंटिंग है, मैं इनका दीवाना हूँ, मैं कदर करता हूँ मतलब कला की, आर्ट की, तो मैं एक आर्ट लवर हूँ, मुझे इस तरह की जो पेंटिंग्स होती है मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जो एम एफ हुसैन सर की पेंटिंग है वह मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, और ये है लकी टी स्टॉल का एकदम बहुत ही मतलब बहुत ही शानदार, ये सारी वेराइटीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो गाइज अभी यहाँ से हम चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, बने रही हमारे साथ कंटिन्यू, बहुत मजा आने वाला है। अभी हम अहमदाबाद को और एक्सप्लोर करने वाले हैं, अहमदाबाद की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको हमारे ब्लॉग में बताने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर प्रसन्न करते हैं।
ये मेरा टिकटॉक पेज रेडी। तो देव यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो बारिश थोड़ी सी तेज हो चुकी है गाइस यहाँ पे, लेकिन मज़ा आएगा बारिश में भी, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये सामने एक कॉलेज है गाइस, कॉलेज के बिल्कुल सामने आप आइए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ बाहर का लोकेशन जो है लकी टी स्टॉल्स, ये यहाँ की फेमस जो अभी आपको आगे नज़र आएगी गाइस, इसको बोलते हैं अहमदाबाद की सिद्धी सैयद की जाली। जी हाँ गाइस, सिद्धी सैयद की जाली है, उसके बिल्कुल आप लेफ्ट साइड में आएंगे ये कॉलेज पड़ेगी, माणिकलाल नानावटी लॉ कॉलेज, और उसके बिल्कुल जो सामने है ये लकी टी स्टॉल। तो आप ये लोग एक बार ज़रूर आए यहाँ पे, यहाँ की चाय का आनंद लें। तो चलिए हम लोग अपने धन्नो को उठाते हैं और ले दो, मैं धन्नो को ले लेता हूँ और चलते हैं अपने आगे की ओर। फाइनली गाइस धन्नो हमारे रेडी हो चुके हैं। बैठ गया। तो गाइस अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ओके। और ये उधर भी थोड़ा दिखा देना दोनों, हाँ दिखा दे पहले फटाफट, ये दिखा दे ठीक है। ये यहाँ का बहुत ही द ग्रीन हाउस करके होटल है, बहुत ही ब्यूटीफुल और लग्जरियस होटल है। फिर ये देखिए गाइस ये सिद्धि जाली, ये दिखा ये मेन पॉइंट वाली चीज़ है काफ़ी अच्छी। तो गाइस ये है सिद्धि सैयद की जाली और आप लोग अहमदाबाद है, ये अहमदाबाद की एक सरोवर है और साथ में मस्जिद भी है और बहुत ही ब्यूटीफुल गाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ से कई बार मैंने शॉपिंग की है, यहाँ पे आपको फैंसी ये बंदूक मिलती है, मिलता है। देखते आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, अंदर जाए अभी देखना। हाँ देखिए आ गए, रिव्यू करते ना है? रिव्यू करते ना, रिव्यू कर लेते हैं। लेकिन अभी अपना पहले मेन वो चलते हैं, ये तो खुली है, यहाँ पे चीज़ बहुत प्यारी मिलती है। ये है अहमदाबाद का लाल दरवाज़ा। आज रविवार है और रविवार को वैसे काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन आज थोड़ा बारिश की वजह से हल्की थोड़ी सी भीड़ कम है। काफ़ी सारे बैग हाउस है और यहाँ पे एक अंकल बैठे शाम के टाइम पे, वो कुछ अच्छा सा जूस बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं याद करने को भाई ठीक है। तो ये अहमदाबाद का फेवरेट लाल दरवाजा लोकेशन आ चुके हम लोग, आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में, भीड़ थोड़ी सी कम है यहाँ पे। ये जिला पंचायत है, ये अहमदाबाद का जिला पंचायत है और यहाँ पे लगता है रविवार बाज़ार। जी हाँ दोस्तों रविवार बाज़ार नहीं, रविवार बाज़ार तो आगे लगेगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ पब्लिक रहती है, आप देख पा रहे हैं इधर दिखे कैमरे में। ये अहमदाबाद का भद्र किला जो बोलते हैं, भद्र किला। और रिटर्न में मौका मिला हम आपको अंदर का बिहाइंड द स्क्रीन सीन बताएंगे। अभी हम सिटी और ये सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट है अहमदाबाद का। ये यहाँ का ट्रैफिक है अहमदाबाद का, मुंबई से थोड़ा कम ट्रैफिक है यहाँ पे। और कुछ झलक यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको रविवार बाज़ार की, यहाँ से शुरुआत होती है, फिर आगे जो नदी है अहमदाबाद की साबरमती उसकी नीचे अंडरग्राउंड लगता है, नदी के अंदर अंडरग्राउंड फ्लो मार्केट लगता है। पीछे एक बड़ी बस हमारे खड़ी है लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, हम इसको थोड़ी जगह दें, लेकिन सिस्टम ऐसा है ना हमारे इंडिया का ट्रैफिक की अगर बात करें तो वेरी ब्यूटीफुल, उसके लिए भी एक अवार्ड रखना चाहिए। तो आने में थोड़ी सी जगह इसकी मिल गया और हम लोग आगे आ चुके हैं। तो सामने जो है वो यहाँ रविवार बाज़ार की शुरुआत यहाँ से होती है, ज़रा कैमरा उस तरफ घुमाएं। और सामने एक चर्च भी है, इस टाइप में चर्च है, चर्च दिखाएं ज़रा। ये है अहमदाबाद का नंबर वन चर्च। और ट्रैफिक आप देख रहे होंगे चारों तरफ से ट्रैफिक है यहाँ पे। तो मैं तो इस ट्रैफिक को ब्यूटीफुल बोलना चाहूँगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुंबई से थोड़ा कम है ये ट्रैफिक, लेकिन अच्छा है ट्रैफिक। नहीं तो मुंबई के ट्रैफिक में आपने देखा होगा लाइव सीन हमारा करना गया है, हाँ जोड़ दो मुंबई के ट्रैफिक को। यहाँ पे सिग्नल खुल चुका है और काफ़ी खुशी हुई मुझे सिग्नल खुलने की, और लोग देखिए किस तरह से। और ये रविवार बाज़ार में झांकू एंट्री एकदम बोलते हैं ना प्रीमियम वाली एंट्री, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको भीड़ भाड़ नज़र आ रही होंगी गाइस। ये सब लोग रविवार बाज़ार में खरीदारी करने आए, ये अहमदाबाद का रविवार बाज़ार है। जैसे कि दिल्ली के अंदर लाल दरवाजे पर जो मार्केट लगता है उसको वैसा ही बिल्कुल, ये अहमदाबाद का रविवार बाज़ार बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव रविवार का लगता है। और एक ज़माने में ये मेरा भी फेवरेट हुआ करता था स्पेशल वाले दौर में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सस्ते मतलब रेट में आपको पुरानी चीज़ें नई चीज़ें सब मिल जाती है। तो मार्केट फाइनली लगा हुआ है, हमें थोड़ा ये था कि मार्केट चालू हो गया या बंद हो गया क्योंकि बारिश की वजह से वगैरह, लेकिन मार्केट चालू है गाइस यहाँ पर। काफ़ी सारी भीड़ भाड़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आपको पूरा फैमिली का सामान बोले सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का सारा आइटम यहाँ पे आपको मिल ही जाता है एक ही छत के नीचे। छत तो है नहीं आएंगे यहाँ पे, और एक ही खुले आसमान के नीचे मार्केट लगता है। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे खड़ी करेंगे अपनी रामकारी अपनी कन्नों को,
तो उसके लिए पार्किंग भेजते हैं यहाँ पे, हम पार्किंग डाल देते हैं अपने राम पर अपने दोनों को, और अच्छी जगह डाल के देखते हैं क्या कि ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। एक तो यहाँ पे अपने काम कार करें जहाँ तक ये गाड़ी के बाजू में करते हैं रविवार बाजार का हम आपको आज बताने वाले हैं रविवार बाजार में क्या क्या मिलता है। गाइस बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे,